तो फाइनली दोस्तों मेरा ये गूगल एडसन का वेरिफिकेशन पिन आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एनवलप है, ये मेरा एड्रेस यहाँ पे है। मैंने अपना ये एड्रेस जो है वो हाइड कर दिया है, ऑब्वियसली मैं तो एड्रेस तो दिखाऊंगा नहीं आप लोग को। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है मेरा ये जो पिन आया है ये आया है सिर्फ 8 दिन के अंदर, आप बोल सकते हो 1 हफ्ते के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू, आप सब लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अब मुझे अपना पेमेंट लेने के लिए अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा जो होता है ये एडसेंस पिन के थ्रू। तो इस एनवलप के अंदर मुझे एक पिन मिला है, एक कोड मिला है, वो मुझे डालना है अपने एडसेंस अकाउंट में जाके, उसके बाद मेरा ये एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और मैं आगे फ्यूचर में अपने पेमेंट्स ले सकता हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये टोटल आपका गूगल एडसेंस पिन के ऊपर ही होने वाला है। तो दोस्तों मेरा ये पिन आया है सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैंने 27 जनवरी को ये अप्लाई किया था पिन के लिए, जो कि आता बाई कोरियर, ये मुझे मिला है बाई इंडियन पोस्ट। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा एड्रेस है, आप देख सकते हो मैंने एड्रेस हाइड किया हुआ है। यहाँ पे मेरा नाम आपको दिख रहा होगा, शुभम जायसवाल। इसमें एक ट्रिक है, आपको भी पिन अगर अप्लाई करना है तो आप भी पिन अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप एड्रेस जहाँ फिल करना वहाँ पर आप देखना मोबाइल नंबर भी डाल देना। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे तो जो भी आपका कोरियर लेके आएगा, जो ये एनवलप लेके आएगा पार्सल वाला, तो वो आपके नंबर पे कॉल करके आपको बता सकता है, जिससे आपको काफ़ी इजी होगा ये पिन डिलीवर होना। नहीं तो कई बार होता है कि पिन आता है और बंदे आपको एड्रेस देख नहीं पाते, खोज नहीं पाते और ये पिन पूरा वापस चला जाता है। तो ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था। तो भाई अब तक मैं वीडियोस देखता था कि दूसरे का पिन आता था और वो अपना गूगल एडसेंस वेरीफाई कर रहे थे, बट भाई आज मेरे पास आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पिन अपने हाथ में पकड़ के। तो अभी इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। अगर आप भी पिन वेरीफाई करना जानना चाहते हो या फ्यूचर में आपका भी चैनल आप भी जानना चाहते हो तो पिन वेरीफाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप एड्रेस वगैरह फिल कर दोगे तो गूगल एडसेंस से आपको ईमेल आएगा कि आपका पिन हमने मतलब पोस्ट कर दिया है, 2 से 4 हफ्तों के अंदर आपका पिन आपको डिलीवर हो जाएगा। अगर नहीं डिलीवर होता है तो फिर आप 3 बार तक ये ट्राई कर सकते हो, पिन के लिए आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम में ही मुझे पिन मिल गया, वो भी 8 दिन के अंदर, जो कि यार बहुत ही कमाल की बात है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 8 दिन के अंदर मिल गया, नहीं तो लोगों को एक एक महीना लग जाता है, 1.5-1.5 महीने लग जाते हैं, 20-25 दिन तो लग ही जाते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर ये पिन मिला है। अब देख सकते हो आप, आज है 4 फरवरी, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आप देखो यहाँ पे 4/2/2021 यहाँ पे आपको स्टाम्प देखने को मिलेगा इंडियन पोस्ट का, 4/2/2021 का। 4 फरवरी है, आज के दिन मुझे ये पिन डिलीवर हुआ है। तो भाई 8 दिन हो गए टोटल, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। अब फटाफट मैं इस पिन को फाड़ता हूँ। इसमें देखो 3 साइड से आपको फाड़ना है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तीनों साइड लिखा हुआ है। यहाँ से फाड़ेंगे तो आपको अंदर पिन मिलता है। मैं इसको फटाफट फाड़ता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि अंदर कैसा है। अब इसको खोलते हैं, ठंडना। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, तो ये है पिन। अंदर देखेंगे आप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये है इस साइड, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा प्रोसेस कि आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, किस साइड पे जाना है, फिर कहाँ जाके क्या प्रोसेस है, आप वहाँ पे पिन डालेंगे। और ये है मेरा गूगल पिन, आप ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, हो सकता है थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि पीछे लाइट लगी है। तो आप ये देखिए, ये है मेरा गूगल का एडसेंस पिन। ये पिन मैं अपने एडसेंस अकाउंट में डालूंगा और मेरा ये पिन वेरीफाई हो जाएगा, मेरा एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, तो आगे मैं फ्यूचर में अपना पेमेंट ले सकता हूँ। तो चलिए अब लेके चलता हूँ आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि आपको कैसे अपना गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन करना है। दोस्तों मैं अपना एडसेंस जो पिन वेरीफाई करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ अपने फ़ोन से, और फ़ोन पे करने का बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी स्टेप है। आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद आपको अपने उस ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है जिससे आपने एडसेंस बनाया है। तो एक बार आप साइन इन कर लीजिए, आप देखेंगे फिर आपके होम पेज पे, यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है वो वेरीफाई करने का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है, सिंपली आपको इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, तो यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे वेरीफाई बटन पे, तो यहाँ पे बस आपको वो 6 डिजिट का पिन डालना है जो कि आपके पास डिलीवर हुआ है एनवलप के अंदर। तो जैसे आप एनवलप ओपन करेंगे तो आपको वो पिन मिलेगा, तो वो पिन यहाँ पे डालना है। तो मैं ये पिन डाल लेता हूँ,
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है पिन डालने के लिए। अगर 3 बार आप गलत डाल दिए तो फिर आप समझ लीजिए आपका एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी, फिर आपको कुछ और प्रोसेस अपनाना पड़ेगा इससे वेरीफाई करने के लिए। तो मेरा जो पिन है मैं वो डालता हूँ, मेरा पिन है 614594। तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, तो ये मेरा पिन है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बताएगा, ये देखिए मेरा बिलिंग एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। अब ये नोट यहाँ से पॉपअप हट गया। यहाँ देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ भी था, नोटिफिकेशन था कि योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो अभी मैंने एड्रेस अपना वेरीफाई कर दिया है, तो अभी ये देखिएगा मैं पेज रिफ्रेश करूँगा और ये यहाँ से नोटिफिकेशन भी हट जाएगा। तो बहुत ही इजी है, देखिए अब वो नोटिफिकेशन भी यहाँ से हट गया, मेरा जो एड्रेस है वेरीफाई हो गया, आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया। अब मुझे अपना बस पेमेंट मेथड, मतलब अपना बैंक अकाउंट वगैरह नंबर, जो स्विफ्ट कोड नंबर है वो ऐड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको एडसेंस पिन नहीं मिला या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे दूँगा। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।